इस वक्त एक बड़ी खबर बेंगलुरु से मिल रही है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंक दी गई है। वो बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी दौरान कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और राकेश टिकैत पर स्याही फेंक दी। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने। इसके बाद हंगामा करने वाले लोगों ने कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। पहले स्याही फेंकी गई और उसके बाद कुर्सियों से मारपीट शुरू हो गई। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राकेश टिकैत, किसान नेता है। किसान आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका देश ने देखी और अब बेंगलुरु में थे वो और वहां पर यह हंगामा हुआ। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अभी ये तो जिम्मेदारी यहाँ के लोकल पुलिस की है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नंबर कोई नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिली भगत से चलता है। राकेश टिकैत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर सुरक्षा हो। राकेश टिकैत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके ऊपर काली स्याही फेंकी गई और उसके बाद हंगामा भी हुआ। हंगामा करने वाले लोग कौन थे अभी ये साफ नहीं हो सका है, लेकिन राकेश टिकैत ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार करा रही है। बताएंगे,